सुदामड़ी मेन कॉलोनी में जनता मजदूर संघ के सैकड़ों समर्थक बिहार कोलेरी कामगार यूनियन थामा दामन। झरिया की सुदामड़ी मेन कॉलोनी क्लब में आयोजित बिहार कोलेरी कामगार यूनियन आम सभा में जनता मजदूर संघ के सैकड़ों समर्थक सोमवार को बिहार कोलेरी कामगार यूनियन का दामन थामा। वहीं इस कार्यक्रम में बिहार कोलेरी कामगार यूनियन ने जनता मजदूर संघ से छोड़कर आए समर्थकों को माला पहनाकर स्वागत किया। सभा में उपस्थित हुए कार्यकर्ताओं में मजदूर नेता द्वारा जोश भरा गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीसीकेयू के नेता कहा कि जिस विश्वास के साथ जनता मजदूर संघ छोड़कर आए सभी समर्थकों को बीसीकेयू का दामन थामे हैं उस पर खरा उतरेंगे। कि आज बिहार कोलेरी कामगार यूनियन का एक मिलन समारोह था और इस मिलन समारोह में जनता मजदूर संघ के करीबन 100 से आदमी ज़्यादा आज बिहार कोलेरी कामगार यूनियन में संजय सिंह के नेतृत्व में अपना आज आस्था व्यक्त करते हुए बिहार कोलेरी कामगार यूनियन का सदस्यता ग्रहण किए। बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के संयुक्त महामंत्री होने के नाते मैं उनके तमाम साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वही बीसीकेयू के नए समर्थकों ने बताया कि जनता मजदूर संघ में मजदूर नीति खोखली हो गई थी और वहां आपसी मतभेद का भावना उत्पन्न हो रहा था जो मजदूर हित के लिए ठीक नहीं था। कमजोर कड़ी को देखते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीसीकेयू का दामन थाम लिया है। गत कई वर्षों से हम अनुभव करते आ रहे हैं कि जनता मजदूर संघ का जो क्रियाकलाप था उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हम लोग जनता मजदूर संघ भी लाल झंडा ट्रेड यूनियन है, HMS से एफिलेटेड है और लाल झंडा का जो क्रियाकलाप होना चाहिए मजदूरों के प्रति उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। जो संघर्ष की भावना और त्याग की भावना लाल झंडियों में होनी चाहिए वहाँ फर्क होते जा रहा है और इसलिए वहाँ मजदूर हित से ज़्यादा स्वहित पर ध्यान दिया जा रहा था और इसी सब कारणों से हम अजीज होकर के अपने सारे समर्थकों के साथ जनता मजदूर संघ में छोड़ते हुए बीसीक्यू के साथ